हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल आज की वीडियो में हम बीएससी इन फिजिक्स की बात करेंगे इफ सपोज आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप परस्यू करने की सोच रहे हो बीएससी फिजिक्स देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बिकॉज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसीजर कॉलेज एंड द वेरियस फैक्टर अबाउट हायर स्टडीज़ अबाउट योर करियर स्कोप आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बी what are the job opportunities are available in front of you after completing your bsc we will also discuss the government job and private job after completing your bsc and msc okay and also we will discuss the salary for various posts okay so if you are thinking to pursue bsc in physics or interested in this subject then you can watch the complete video to clear all your doubts let's start the video बी एस सी फिजिक्स थ्री इस का फंडामेंटल टॉपिक होता है क्वान्ट मैकेलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स कैल्कुलर सेमी कंडक्टर एक्सेट्रा ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसे ही रिलेटेड आपको सिखाया जाता है ओके okay. इसकी क्वालिफिकेशन है ट्वेल्थ पास आउट किया है विद मिनिम फिफ्टी परसेंट ऑफ मार्क्स विथ पी सी एम और पी सी बी ओके अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है ट्वेल्थ तो आप बी एस सी इन फ़िज़िक्स कर सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स फ्रेंड्स आप बी एस सी इन जनरल भी कर सकते हो या फिर बी एस सी फिज़िक्स इन ऑनर्स भी कर सकते हो इन जनरल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट सब कुछ कवर किया जाता है लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हो तो उसमें पर्टिकुलर फोकस किया जाता है आपके फ़िजिक्स सब्जेक्ट पे ही आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इन डेप्थ स्टडी करना है तो आप ऑनर्स ले सकते हो क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऑनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता है जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आफ्टर बी एस करना है इन जियो और वॉट तो उसमें बी एस ऑनर को प्रेफरेंस uh, दिया जाता है ओके okay? तो वो अपने स्विच कर सकते हैं ओके, फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट सेमेस्टर वन में आपका मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फाउंडेशन कोर्स इन मैथ्स, फिजिक्स लेबोरेटरी वन देन सेमेस्टर टू में है ऑप्टिक कैलकुलस देन फिजिक्स लैब टू सेमेस्टर थ्री में है सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फ्रेंड्स आपको ये सिलेबस काफी कम लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपको बोला सिर्फ इतना ही नहीं है इसके अंडर वेरियस चैप्टर्स आपके होंगे एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर आता है ओके सो so, मैं बेसिकली जो मेन पॉइंट है वही आपको बता रही हूँ उसके नीचे जो एनलिस्ट होते हैं चैप्टर्स uh, वो नहीं बता रही हूँ यहाँ पे अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्लासिक मैकेनिक एंड रिलेटिविटी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आपको सिखाया जाता है थर्मल फिजिक्स एक थर्मल फिजिक्स के अंडर भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं आई होप यू आर गेटिंग सेमेस्टर फोर में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैगने थ्योरी कवर किया जाएगा देन सेमेस्टर फिफ्थ में क्वांटम क्वेंटम ऑसिलेशन एंड वेवस स्टेटिस्टिकल मैकेनिकमेस्टर सिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्ट्रूमेंटेशन देन एटोमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स ऐसे सारे आपके सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाएंगे आपके ओके दिस वॉज ऑल अबाउट कोर्स फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स इसमें जो एडमिशन होता है आपका बेसिकली मेरिट लिस्ट पे होता है आपका जो ट्वेल्थ में आपके जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे आपका बी में एडमिशन हो जाता है और इल्स अगर कोई यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर जहाँ पे वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ही आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है अदरवाइज मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन हो जाएगा हायर स्टडीज लिए जाते हो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है ओके नाउ वी विल सी द कोर्सेज आफ्टर बी एस सी आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बी एस सी फिक्स वट आर दर्सिस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स आप एम एस सी कर सकते हो मास्टर्स कर सकते हो इन वेरियस सब्जेक्ट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एम एस सी इन फ़िजिक्स कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और एल्स आप एम एस सी इन रेडिएशन फिज़िक्स कर सकते हो ये दो साल का होता है फ्रेंड्स या फिर आप एम इन मेडिकल फ़िजिक्स कर सकते हो ये भी दो साल का कोर्स होता है जो भी मास्टर्स के कोर्स है फ्रेंड्स वो दो साल के होते हैं अगर आपको मेडिकल फ़िजिक्स करना है तो आपका बीएससी फिजिक्स एज अ कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप बीएससी इन रेडियोथेरेपी बायोफिजिक्स या फिर रेडियो डायग्नोसिस मेडिकल फिजिक्स में कर सकते हो अपना एम या फिर आप एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो इवन दिस इज फॉर टू ईयर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स आपको आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जियो बायो देन बायोड साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स अगर आपका इन फिजिक्स कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इंडियन नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर क्योंकि जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो उसके लिए बहुत सारी जगह पे क्राइटेरिया होता है कि यू शुड बी एम एस इन फिजिक्स और एटलीस्ट बी आपका होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल होते हो जो यूपीएससी के सी डी एस सी रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपको MSC आपका क्राइटर सी डी एस पे मैं आगे भी बात करूंगी कि इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती है बी एस सी और एम एस सी और बी एड कर सकते हो फ्रेंड्स आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बी एस अगर आपको एकेडमिक एरिया में जाना है आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये काफी अच्छा रहेगा या फिर आप एम में जा सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो जो टॉप आई आई है जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ से आप अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है कैट मैट जी मैट ये सब देख के आप एडमिशन ले सकते हो एम बी ए में फ्रेंड्स मैंने एम बी ए पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है इफ यू आर इंटरेस्टेड तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हो आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस वीडियो आप एम बी ए कर सकते हो डेटा साइंस में फ्रेंड्स या फिर एम बी ए इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एल सी एम बी ए इन इनोवेशन कर सकते हो देखिए आप अपने ही फील्ड से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसमें ग्रो करने के लिए आपके लिए काफी अच्छा रहेगा सो सेलेक्ट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर फील्ड और इंटरेस्ट यू कैन ऑल्सो डू अ इंटीग्रेटेड पी एच डी बाई क्रैकिंग द जेस्ट एग्जाम जेस्ट का एग्जाम अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो फ्रेंड्स तो आप एम एस सी और पी एच डी भी दे सकते हो एक साथ में इंटीग्रेटेड so, कोर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे इन डिटेल फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स आप बी एस एम एस इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो बी एस एम एस इज अ बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस मीन्स आप दोनों के लिए एक साथ ही एडमिशन ले लेते हो लाइक जैसे आप बी एस सी करते हो उसके बाद में आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं उसके बाद आप एडमिशन लेते हो एमएससी के लिए गेटिंग लेकिन यहाँ पे आप आफ्टर पासिंग ट्वेल्थ डायरेक्टली आप एम एस बी एस एम एस का कोर्स ले लेते हो तो आपका डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ ही हो जाता है आप ये भी कर सकते हो इसका कोर्स ड्यूरेशन है फाइव इयर्स और इसमें जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है अब जी ई एडवांस देखें या फिर दूसरे जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो दे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो प्लस पॉइंट ये है कि आपको एमएससी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम फिर बाद में देना नहीं होता है एडमिशन प्रोसीजर के कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स uh, नहीं होती है आपका एक साथ ही आपका डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो जाता है ओके okay, आप कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आई से या फिर आप आई से कर सकते हो बेंगलुरु में है या फिर आप आई कानपुर से कर सकते हो या फिर आप निसार भुवनेश्वर ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ से आप कर सकते हो जो कि बी एस एम इंटीग्रेटिव कोर्स ऑफर करता है आपको ओके यू कैन थिंक अबाउट इट अगर आपको डिसाइडेड है आपको मास्टर करना है या फिर फ्रेंड्स आपका बी होने के बाद में आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो देने के बाद में आप बी कर सकते हो और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप जा सकते हो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज होती है वो बी ऑनर्स को पहला प्रेफरेंस देती है उन्हें लेती है और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर ऑफ बी में एडमिशन मिल जाता है ओके आप बी इन रेडियो फिजिक्स कर सकते हो गेटिंग आप अपने ही फील्ड से रिलेटेड बी करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा नाउ वी विल सी द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आफ्टर बी एस सी फिजिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आप एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी बायोफिजिक्स फाइबर ऑप्टिकल फिजिक्स फ्लूड फिजिक्स जियो फिजिक्स मटीरियल फिजिक्स मेडिकल फिजिक्स मोलिकुलर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ऑप्टिकल फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना कोर्स कर सकते हो पहला ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो नाउ वी विल सी द एंट्रेंस एग्जाम्स व्हाट आर द एंट्रेंस एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एमएससी और पीएचडी ओके ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि आपको अगर हायर स्टडी करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या एडमिशन प्रोसीजर है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप बिफोर हैंड विद इन इन योर ग्रेजुएशन ओनली आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम का और उसे क्रैक करके एडमिशन ले सकते हो सिर्फ फ्रेंड्स आपको आई जैम का एग्जाम देना होगा इट इज अ एडमिशन टेस्ट अगर आपको एमएससी करना है आप एमएससी इन फिजिक्स कर सकते हो एमएससी इन अप्लाइड जियो कर सकते हो या फिर फ्रेंड्स आप एम और पी एच डी डिग्री होता है जिससे भी आपको मैंने बी और एम बताया वैसे ही एम एस सी का भी डेल्थ डिग्री होता है इन फिजिक्स वो भी कर सकते हो सिर्फ ये एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देखे आप एम एस इन टेक भी कर सकते हो इन अप्लाइड आपको अपने एरिया के ही चूज करने हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है आप जेस्ट का एग्जाम दे सकते हो ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इससे भी फ्रेंड्स आप एम के लिए भी एडमिशन ले सकते हो या फिर डुअल डिग्री दोनों के लिए भी आप ले सकते हो मतलब आपका दोनों एम और पी एक ही यूनिवर्सिटी से हो जाएगा या फिर आप टी आई एफ आर जी एस बी दे सकते हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी डुअल डिग्री के लिए है पी एच डी के लिए है एम एस सी के लिए है आप इसके लिए भी एग्जाम दे के एडमिशन ले सकते हो तो दीज आर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर एम एस सी एन पी एच डी कोर्स नाउ वी विल सी द करियर ऑप्शन आफ्टर बी एस सी फिजिक्स फ्रेंड्स अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है एक बी एस सी स्टूडेंट के लिए वो देखेंगे मोस्टली फ्रेंड्स देखा जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आपके पास बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं लाइक रेलवे दिस एंड दैट लेकिन आपके ही फील्ड में गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलता है तो दिस इज़ वेल एंड गुड आप इसके लिए ज़रूर ट्राई कीजिए ओके पब्लिक okay? सेक्टर में देखिए फ्रेंड्स आप इसरो में जा सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें आप एज अ सीनियर फिजिसिस्ट और या फिर आप एज अ साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट पे भी जा सकते हो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जो पेमेंट मिलती है वो होगी सेवन लैख पर एनम ओके देन द सेकेंड वन इज न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट इसकी जो पेमेंट होती है वो है टेन लैख पर एन या फिर आप सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सी में भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ रिसर्चर इसकी जो पेमेंट आपको ऑफर की जाती है इट्स सिक्स लैख पर एन एम देन द नेक्स्ट वन इज डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स ये सारे जो सेक्टर है गवर्नमेंट कंपनीज है यहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट की पोस्ट पे आफ्टर बीएससी कर सकते हो लेकिन अगर आपको एज अ सीनियर साइंटिस्ट पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री कंपलसरी है ओके उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है और एल्स आप फिज़िकल रिसर्च लेबॉट्री अहमदाबाद इसमें अप्लाई कर सकते हो सहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फ़िजिक्स कोलकाता में अप्लाई कर सकते हो न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बी आर सी बाबा एडोमिक रिसर्च सेंटर में कर सकते हो बी आर सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे जॉब लगती है तो करियर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा सेट रहेगा आप ओ एन जी सी में ज्वाइन कर सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या फिर आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में भी अप्लाई कर सकते हो ओके या फिर एन टी पी सी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रेंड्स आप आफ्टर बी भी ज्वाइन कर सकते हो इसरो या फिर बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और बाद में अपना हायर एजुकेशन लेने के बाद में उसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपकी प्रमोशन होगी फॉर द ऑफिसर पोस्ट ओके आई थिंक बी आर सी में आई एम नॉट श्योर उसमें शायद एम एस सी को ही लिया जाता है बी एस सी के लेवल पे नहीं है बट स्टिल आप चेक कर सकते हो सो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन आपको बी एस सी के लेवल पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है फ्रेंड्स और आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छी ऑफर की जाती है है. तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो इसका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है वो क्रैक करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो ओके वी विल सी फॉर द प्राइवेट सेक्टर आप साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में कर सकते हो फ्रेंड्स ये आपको एट लैक परिणाम देती है देन आर आर आई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यू कैन वर्क एज अ रिसर्च एसोसिएट इट विल ऑफर यू थ्री पॉइंट फाइव लैकआर टाटा यहाँ पे आपको पे स्केल मिलती है आप दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वहाँ पे भी एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते आप हो आपके फील्ड से अलग होगा बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप जरूर कीजिए इसके लिए भी ट्राई कीजिए आप रेलवे में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्ट निकलती है ऑन द बेिस ऑफ ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एस बहुत सारे पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन आप उसके लिए एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो फ्रेंड्स इंडियन नेवी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर कम्पलीटिंग योर मास्टर आप इंडियन नेवी एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो या फिर आर्मी में आप जा सकते हो टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरियल आर्मी इज फ्रेंड्स पार्ट टाइम नॉट फुल टाइम आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए आपको सी सी का एग्जाम देना होगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ओके okay, इसको यूपीएससी कंडक्ट करती है इट्स अ कम्बाइंड डिफेंस सर्विस इस साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है फ्रेंड्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसको ज्वाइन कर सकते हो इसमें जो भी आपको फैसिलिटीज मिलती है जो एक रेगुलर आर्मी को दी जाती है वही सारी फैसिलिटी वो ही पे स्केल वगैरह सब इसमें प्रोवाइड किया जाता है तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए मैं डेफिनेटली इस पे एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी ओके आप यूपीएससी जियो साइंटिस्ट या फिर अदर गवर्नमेंट सर्विस जो होते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो देर आर वेरियस सेक्टर फ्रेंड्स एंड वेरियस जॉब्स आर अवेलेबल बट द पॉइंट इज हमें उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये सारे ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है वट आर द करियर पाथ यू कैन चूज आफ्टर योर कोर्स सी यहाँ पे मैंने कुछ जॉब्स अनलिस्ट किए हैं आप इसको ये सेक्टर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ लैब सुपरवाइजर एज अ रिसर्चर कंसल्टिंग फिजिसिस्ट रिसर्चर एसोसिएट डेटा एनालिस्ट सीनियर फिजिसिस्ट टेक्नीशियन एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट स्पेस साइंटिस्ट रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हो ओके okay? जो टॉप फॉर्म रिक्रूटर्स है जो कंपनीज है आप, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप टी सी एस ज्वाइन कर सकते हो एनालॉग डिवाइस जी डिजिटल एटोमिक लैब्स टेस्ला सोलार इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर सकते हो नासा में ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स अगर आप एम या पी करते हो तो एज आप रिसर्चर भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपके पी के बाद एज आप लेक्चरर या फिर प्रोफेसर भी जॉब कर सकते हो ज ए टीचर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर तो अगर हम एक एवरेज की बात करें तो फोर टू सिक्स लैख पर आपको किया जाता है नाता है एंड विच ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया लोकेशन एंड द कंपनी ओके अगर हम पर्टिकुलर पोस्ट की बात करें तो एज अ कंटेंट डेवलपर आपको अराउंड टू पॉइंट फोर टू लैख पर एन मिलता है देन एज अ लैब सुपरवाइजर आपको थ्री लैख पर एन मिलेगा रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट आपको सिक्स लैख पर एन ऑफर किया जाता है स्टेटिस्टिशियन के लिए आपको फोर पॉइंट फाइव लैक पर एन मिलता है सीनियर फिजिसिस्ट के लिए आपको सेवन लैख पर एन ऑफर किया जाता है एज अ रिसर्चर आपको सिक्स लैख पर एन ऑफर किया जाता है Then if you are working as a radiation oncologist then you can earn 10 lakh per annum or as a consulting physicist 8 lakh per annum, research associate 3.5 lakh per annum, radiologist 6 lakh per annum or if you are working uh, as a school teacher then you can earn 486 ब्लैक पर एनम आई थिंक मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर किए लाइक आपके कोर्सेज से रिलेटेड करियर से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर एंड इवन द प्राइवेट सेक्टर आई हैव कवर्ड एंड अबाउट द हायर स्टडीज क्या क्या ऑप्शंस होते हैं सैलरी भी हमने डिस्कस uh, की है फॉर द वेरियस पोस्ट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है देन यू कैन कमेंट बिलो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए या इसी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी दैन आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करो फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोर्सिज से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द बेस्ट